कर्नाटक हिजाब विवाद में यहाँ पर भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, और यहाँ जो विरोध प्रदर्शन हुआ इसमें एक साथ में जय श्री राम और अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए। हाँ, क्योंकि हमारे देश की यही संस्कृति है, दैट इज द कल्चर, दैट्स द कल्चर ऑफ माय कंट्री। और हमारा संविधान भी यही बोलता है कि अगर मैं भारत में हिंदुस्तान में रहती हूँ तो मुझे मेरा धर्म फॉलो करने का, उसके रीति रिवाज के तरीके से रहने का पूरा अधिकार है। इट्स माय राइट, अधिकार है उन्होंने कहा है, कोई यहाँ पे कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा। और इसी तरीके से मुझे लगता है कि कैंपस में रिलीजियस पॉलिटिक्स करना ये बहुत ही घिनौनी हरकत है। जिस तरीके से लड़कियों को अकेला देखकर पीछे से नारे लगाना, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता। हर जगह लड़कियों की इज्जत की मतलब औरतों की इज्जत की जाती है। और मेरे ख्याल से आप भी मानोगे कि न ही ये इस्लाम बोलता है, न ही हिंदुइज्म बोलता है। इनका जो हिंदुत्व है वो कहाँ कहाँ है मुझे पता नहीं। फिलहाल अभी जो चुनाव जो आ रहे हैं इनके अलग अलग राज्यों में, वहाँ पे इन्होंने शायद ओपिनियन पोल देखने के बाद में उन्हें पता चल गया है कि अभी यही एक आखिरी कुछ दिन बचे हैं जब ये हाथ पैर हिला के कुछ करके लोगों तक पहुँच सकते हैं। इसीलिए श्रीराम सेना को शायद आगे किया गया है। श्रीराम सेना ने कुछ सालों पहले बेंगलोर के एक कैफे में जो लड़कियां जीन्स और स्कर्ट्स पहन के आई थी उनके ऊपर भी इसी तरीके से ऑब्जेक्शन उठाया था, और इसी तरीके से उन्हें भी फिजिकली ट्रोल किया था। ये बहुत ही गलत है। मतलब आज ये हिजाब के लिए नहीं, शायद उस वक्त भी कोई इलेक्शन का गार पे होगा, बट ये बहुत ही दकियानुसी तरीके हैं अपने आप को पब्लिसाइज करने के। एंड आई फील कि इस देश का जो भी सच्चा नागरिक है वो किसी भी चाहे मजहब का हो, उसने एकदम मुंह तोड़ इन लोगों को वोट के जरिए जवाब देना चाहिए, क्योंकि दिन बर दिन ये और ही होता जा रहा है। और इसको हमारी जो गोदी मीडिया है कुछ वो भी बहुत बुरी तरीके से इसको पब्लिसाइज कर रही है, विच इज़ रियली रॉन्ग। हिजाब के ताल्लुक से आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हिजाब पहनना इनका हक है ना। मुझे कोई, ये लोग कभी साड़ी पहनने से नहीं रोकते, तो फिर हिजाब पहनने से उनको क्यों रोका जाए? और फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी या कोई भी कॉलेज, एक तो वो जगह ही नहीं है जहाँ पर हिजाब ना पहनो। अंदर उन्होंने शायद यूनिफॉर्म उनका पहना होगा, और नोबडी इज स्टॉपिंग देम के ऐसा करे। मैम एक ट्वीट देखा था जिसमें लिखा हुआ था कि जेनोसाइड यानी कि कत्लेआम हमारे दरवाजों पर दस्तक दे रहा है, और आपको क्या लगता है अगर ये फसाद इसी तरह से बढ़ता रहा, कहीं कर्नाटक से निकल के पूरे देश में ना फैल जाए, तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ इसे मुस्लिम ही सफर करेगा या सिर्फ एक पर्टिकुलर मजहब के लोग सफर करेगा? आपको ये जेनोसाइड हैपेंस व्हेन पीपल कीप देयर ब्रेन्स असाइड। जेनोसाइड कभी होता है कि मैं इस तरीके के सारे गिमिक्स में फंस कर मेरी खुद के दिमाग को बाजू में रख के, इफ़ आई गेट कैरिड अवे, हम यही लोगों को बोलना चाह रहे हैं, डोंट गेट कैरिड अवे। आई ऑलवेज सी इफ यू हैव नेवर कम अक्रॉस अ मुस्लिम हु हैज हार्म्ड यू इन योर लाइफ, और इफ यू हैव नेवर कम अक्रॉस अ हिंदू जिन्होंने आपको कुछ अपने पर्सनली कुछ अगर नुकसान पहुंचाया है, तो अगर आपको एक दूसरे के बारे में कुछ पता ही नहीं है, आप एक कोने में रहते हैं शहर के और वो लोग दूसरे कोने में रहते हैं, तो आपको किसी से तकलीफ होने का सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए। जस्ट बिकॉज somebody is telling me कि इनको मारो तो मुझे नहीं मारना चाहिए, तो अभी वही मैं बोल रही हूँ कि इनके पास अगर दिमाग से लोग सोचे ना तो इनको कोई खड़ा नहीं करे। इसलिए इन लोग अभी दिल पे वार कर रहे हैं। और यू नो, जैसे कि कार्ल मार्क्स ने बोला था कि धर्म ये अफीम की तरह होती है, यू नो, कि तो हमें अभी समझना चाहिए कि मुझे अफीम लेके नशे में रहना है या होश में रहकर डेवलपमेंट पे सोचना है। क्यों लगता है आपको ये टारगेट क्यों किया जा रहा है, क्या लगता है? मैंने आपको बोला ना कि उनको अभी कुछ मुद्दा चाहिए, ये मुद्दा है थोड़े दिन वीडियो भी सामने आ रही है, वहाँ पर भगवा कलर की पगड़ी बांटी जा रही छात्रों में। वही मैं बोल नहीं, ये सब क्या है, अभी क्या है, इनके पास मुद्दे बचे नहीं, डेवलपमेंट के काम कुछ हुए नहीं है, तो अभी क्या होगा, तो चैनल पे पूरा दिन यही दिखाते रहेंगे। और एक कॉलेज में मैम झंडा भी चेंज कर दिया गया, तिरंगे को रिप्लेस किया गया, और ठीक है सैफ्रन कलर सूफियों का भी है। सो वी डिड नॉट, बिल्कुल एग्जैक्टली। रूता जी, पांच राज्यों के चुनाव को देखते हुए कहीं ये भाजपा का हिंदू मतों के ध्रुवीकरण का प्रयास तो नहीं? उनका पहले दिन से ध्रुवीकरण का ही प्रयास है, लेकिन मैं बोलना चाह रही हूँ कि मुझे मेरा दिमाग इस्तेमाल करते हुए उनके इन सब इसमें नहीं फंसना चाहिए, उनके जो भी पैंतरे हैं। okay. और आज अगर आपने देखा, देखिए ये हमारी जो बहन है,
ये तो एकदम ऊपर से, मतलब शी इज ऑल द टाइम लाइक दिस, फिर भी मैं कभी शायद टीका ना लगाती, मैं थोड़ी आधी हिंदू हूँ नहीं हूँ, बट शी इज ऑलवेज ड्रेस्ड लाइक दिस, मीन शी इज हियर और हमने अल्लाह अकबर बोला, आई फील ऑल आर द सेम, मेरे लिए तो सब कुछ और उन्होंने जय श्री राम बोला, ये तो गंगा जमुनी तहजीब है। हाँ एग्जैक्टली, तो आप थोड़ा इनसे बातें कीजिए। आज हमारे यहाँ देखा जा रहा है हिंदू मुस्लिम, हिंदू महिलाएं भी यहाँ है, मुस्लिम महिलाएं भी यहाँ पर हैं, और आप लोग हिजाब के समर्थन में आकर यहाँ पर जो है एहतजाज कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बात चल रही है हिंदी। देखिए पहली बात तो ये है, हम भारत के संविधान में हर एक इंसान को फ्रीडम दिया गया है कि उन्हें उनकी तरीके से ज़िंदगी जीने का हक है, और हमारे देश में हर एक धर्म के हर एक पंथ जाति के लोग रहते हैं, तो उनके अपनी धर्म पंथ और जाति के सब परंपराएं है, सब कुछ रिवाज है, वो सब फॉलो करने का उन्हें अभी आज़ादी है। तो अभी पिछले कुछ सालों से हमारे ये जो मूलभूत हक है उनके ऊपर अभी आक्रमण होते जा रहा है, मौलिक अधिकारों, मौलिक अधिकार वही मूलभूत हमारे हक है उसके ऊपर आक्रमण होते जा रहा है, तो ये बहुत देश के प्रगति में बहुत बड़ी धोखे की एक घंटी बज रही है, क्योंकि देश के एक कोने में अगर ऐसी वारदात होती है इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत शुरुआत हो रही है। लेकिन अभी पब्लिक पढ़ी लिखी है, अभी सोशल मीडिया और इसके सब जाहिर में आके सब लोगों को सच क्या है झूठ क्या है इस बात का पता है, तो खाली धोखे का और डर का माहौल पैदा करके कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग हिंदू है, हम अपना पूरा टीका लगाएंगे, मांग भरेंगे, साड़ी पहनेंगे, हमें कोई कहीं पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लेते। बीच में सोशल मीडिया में ये भी आया था कि एक होटल में महिला को साड़ी में एंट्री नहीं मिल रही है, तो उसके ऊपर भी सभी मीडिया वालों ने पूरा आक्रमण करके वो किस्सा भी सुलझाया। तो अगर ऐसा होता है तो ये हिजाब तो उनका धर्म का उनका एक फॉलो करने का एक तरीका है, उनका एक रिवाज है। अगर स्टूडेंट्स में और कॉलेजेस और स्कूल में ऐसी बातें अगर ऐसी बातों का अगर महत्व दिया जाता है, मतलब पढ़ाई को क्या महत्व दिया जाता है उसका सवाल उठता है। मैम आपको तो स्कूल और कॉलेजेस में ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए, बहुत गंदी शुरुआत है ये, और जो कोई ये कर रहे हैं श्रीराम सेने वाले, मुझे नहीं लगता है कि उनको कुछ और काम है, तो ये देश भर में एक डर का माहौल पैदा करने का ही उनका प्रयास है।